डिजिटल युग, कैसेट टेप और विनाइल रिकॉर्ड की लोकप्रियता से पहले एक समय था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जन्म हुआ। आज का चमत्कार एआई वास्तव में 70 वर्षों से भी पहले से अस्तित्व में है। 1950 में कंप्यूटिंग ज्ञानी एलन ट्यूरिंग ने प्रश्न उठाया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? इससे प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हुई। 1956 में पहला एआई प्रोग्राम लॉजिक ट्यूरिस्ट विकसित हुआ। 1960 और 70 के दशक में पैटर्न रिकॉग्निशन और उन्नत एल्गोरिदम में वृद्धि हुई, जिसने एआई के क्षेत्र में विकास की नींव रखी। 1990 के अंत में इंटरनेट में डेटा का विस्फोट किया, जो उन्नत एआई एल्गोरिदम के लिए कच्चा माल बन गया। डेटा की इस बहुतायत में मशीन लर्निंग को ज्ञान आधारित से डेटा आधारित बना दिया। 2000 का दशक डीप लर्निंग जैसे समृद्ध और जटिल एआई मॉडलों के उदय के लिए महत्वपूर्ण था। 2010 के दशक में एआई रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया, जिसमें कोर्टाना और सीरी जैसे वर्चुअल असिस्टेंट शामिल है। 2021 में जनरेटिव एआई केंद्र बिंदु बना। एआई का यह रूप सीखे गए और नए डेटा से लिखित दृश्य और श्रवण सामग्री बना सकता है। इससे प्रौद्योगिकी के साथ एक अधिक व्यक्तिगत और मानवीय बातचीत और नए एआई मॉडल के निर्माण की शुरुआत हुई। जेनरेटिव पैटर्न ट्रांसफॉर्मर या जीपीटी एक तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग मॉडल है, जो मानव मस्तिष्क जैसा काम करता है। जीपीटी प्राकृतिक संवादात्मक भाषा से सामग्री बनाता है। डॉली एक एआई मॉडल है जो पाठ से तस्वीरें बनाता है, जिससे भाषा और दृश्य कला के बीच की दूरी कम होती है। विस्पर एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जो वेब से एकत्रित बहुभाषी और बहुकार्य पर्यवेक्षित डेटा के डेटासेट पर प्रशिक्षित है। इन प्रगतियों ने नई संभावनाएं खोली हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, एक उत्पादक टूल जिसे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एआई उत्पादकता को बढ़ाता है, रचनात्मकता अनलॉक करता है और साधारण चैट अनुभव से समझ को बढ़ाता है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आपके रोजमर्रा के जीवन में सहायक है और डॉली आपके निर्देशों पर आधारित छवियां बना सकता है। कोपायलट भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की चीजें आसान कर रहा है। यह एक टूल है जो प्रोग्रामिंग का लॉजिक समझता है, जिससे डेवलपर्स आवाज और पाठ से किसी भी भाषा में परिदृश्यों को बनाया उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। ट्यूरिंग के दिमाग की चिंगारी में एआई के नवाचार का रास्ता खोला, जिससे हमने एक लंबा सफर तय किया है और यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम एआई को जान रहे हैं, बुनियादी बातें समझना महत्वपूर्ण है। एआई क्या है और कैसे काम करता है, इसे समझकर प्रौद्योगिकी क्षमता से नवाचार और प्रगति हो सकती है।